स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारीexam.com पे, जो कि अपडेट देता है सबसे पहले। अब जिक्की का क्यूज के भाग लीजिए आप सभी को, और तैयारी कैसी चल रही जरूर बताइएगा। और सभी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं अब तक की क्लासेस को, तो क्लासेस जाकर के आप सरकारीexam.com में प्रीवियस क्लासेस ले सकते हैं। आज ये आखिरी क्वेश्चन होगा। आज हम बात करेंगे MTS की। MTS में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में लास्ट में हम बात करेंगे और उसके क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जीके के सभी सेक्शन हो चुके हैं, हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया। अब MTS की तरफ मूव करेंगे। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद। अंकित राज, ठीक है, चलिए। सर आपने गलत बताया था, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ होता है, मुंबई में नहीं। बिल्कुल लखनऊ में होता है, कल वो उस पर हम चर्चा करेंगे, लखनऊ ही है, ठीक है। उसको आप दूर कर लीजिएगा, क्योंकि PDF में उसको मैंने बाद में सही कर रखा था। PDF में आप देखोगे, PDF में डाउनलोड करने को सीट वो ही है। चलिए उसको मैं जैसे एरर सही कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को, ठीक है, जय भीम, गुड आफ्टरनून। चल पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना जिसने ये पाया था कि कुछ अणुओं के दर्पण के चित्र। ऋतु विश्वकर्मा, सर यूपी बीएड का फॉर्म कब आएगा, यूपी डीएलएड का बात करेंगे। ऋतु जी जल्दबाजी न करिए, 10 क्वेश्चन आ लेंगे, 10 क्वेश्चन खत्म होते ही आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन वेलकम, पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग, उसके बाद आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन वन का सीधे आ गया, सोहन सोलंकी का जवाब बताइए क्या है क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिससे यह पाया था कि कुछ अणुओं में दर्पण चित्र। सर प्लीज पहले हमें आंसर दो, वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है, ले ही आंसर वेरीफाई कर लिया करो। देखिए हेडक्वार्टर ऑफ क्वार्टर, कई कई ब्रांच भी होते हैं, तो ब्रांच भी है ऐसा नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर का अगर प्रश्न होगा तो लखनऊ होगा। अगर कोई एरर होती है तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में PDF बना था उसमें आंसर सही कर दिया गया था। पहले का जवाब बताइए, वन का नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा है सभी का। वन का लुई पाश्चर, लुई पाश्चर पहले का जवाब भी होगा। लुई पाश्चर यो थे कि उन्होंने बताया था कि क्या, पहले का बी होगा, इसमें देखिए कन्फ्यूजन मत करिए आप लोग। साइंस का क्वेश्चन है, लुई पाश्चर ने पाया था कि कुछ अणुओं में चित्र होते हैं और रासायनिक यौगिक के बाएं हाथ दाहिने हाथ के संस्करण के रूप में समझाया जाता है। वन का बी लुई पाश्चर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू बताइए, प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, चरको, GD नायट, सुश्रुत या प्रश्न से कोई नहीं। NTPC का पेपर कहूँगा, लास्ट में बताऊँगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बीच बीच में बात करना ठीक नहीं है। सत्यम लेट हो गया, प्लास्टिक सर्जरी के रूप में बताइए। टू का सी पूजा पटेल का जवाब आ गया, गौरव हैदर का भी बता जवाब आया, टू का बी क्या होगा सही जवाब। जेएस बोर्ड का रिजल्ट बाद में बात करेंगे हम लोग, टू का क्या होगा सही जवाब, सुश्रुत। प्लास्टिक सर्जरी के रूप में सुश्रुत क्या है, शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के संस्थापक पिता हैं, ठीक है ना, इनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर टू का सी। क्वेश्चन नंबर थ्री बताइए, सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया जो लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकते हैं,
ये बताइए, आज साइंस से क्वेश्चन है सारा, बताइए साइंस की अगर जानकारी हो, सामने हट जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने, सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3, देखिए शिवानी कुमारी सही थी, अच्छी बात है। सर वीडियो रुक गया है तो पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, नहीं चल रहा है, ठीक है। गौरव हैदर, सतीश सुतरार और सोहन सोलंकी, चलिए क्या सही जवाब है नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, एलिसा ओटीज। एलिसा ओटीज क्या है? सुरक्षा ब्रेक का आविष्कार किया था जो रस्सी टूटने पर अचानक गिरने से सक्रिय होने पर लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत क्रांति का जनक आपको बताना है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सर बफरिंग हो रहा है वीडियो, तो पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बफरिंग हो रही है तो बताइए, श्वेत क्रांति का जनक, चलिए 4th का सी, पूजा पटेल सोहन सोलंकी, व्हाट, चलिए 4 का सी बता रहा है और एकदम सही है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कुरियन को, बहुत ही प्रचलित नाम है, अक्सर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, दूध उत्पादन के लिए होता है, कुरियन को दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5, पहला वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? कोनराड जूस, लास्वियो जोसेफ बीरो, ब्रैंडबर्ग, कार्ल ब्रंच, बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5, 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5, आ गया सही जवाब ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कोनराड जूस। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, साइंस क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। दुनिया का पहला प्रोग्राम नियंत्रित दिया था किन्होंने? क्वेश्चन कोनराड जूस। क्वेश्चन नंबर 6, इरिडियम परत की खोज किसने की? उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, इरिडियम परत, जल्दी बताएंगे सभी लोग, इरिडियम परत की खोज किसने की? इरिडियम परत की खोज किसने की आपको बताना है, डी या सी में एक होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 6 का 2, गोविंद कुमार डी बता रहे हैं, 6 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, लुइस अल्वरोजा, ठीक है ना। सो लुइस अल्वरोजा ने एडियम परत की खोज की, तो उसने यह भी सिद्धांत दिया था कि डायनासोर पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के बाद विलुप्त होने के लिए प्रेरित थे। 1968 में उन्हें भौतिक विज्ञान से नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, 4 ऑप्शन आपके सामने, न्यूरोसाइंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? न्यूरोसाइंस के जनक का नाम बताना, सेटियागो रोमनी काजल, एलेक्सेंड्रा वोल्टा, सलीम अली या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन ए, क्लियर। सेंटियागो रामनी काजल न्यूरोसाइंस के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने 1906 में फिजियोलॉजी
या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उनके न्यूरॉन सिद्धांत के लिए था, ठीक है ना। कब? 1906 में इनको मिला था, 1906 में नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बताइए कॉफी फिल्टर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन साफ तौर से आप पढ़ते हैं, ओरेबली, बिल्बर राइट, मेलिजा बैंक या निकोला टेस्ला? बताइए क्वेश्चन नंबर 8, चार ऑप्शन सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, कॉफी फिल्टर का आविष्कार, आधा कट जा रहा है, नहीं पूरा आ रहा होगा, वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या? क्या सभी के वीडियो में क्वेश्चन कट रहा है क्या, दिख तो रहा है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8, आज तो इतने टफ क्वेश्चन है। एक्चुअली साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, मुझे भी लग रहा है थोड़े टफ पढ़ होंगे आज। एसएससी एमटीएस क्लास की बात करेंगे इसके बाद। देखिए 8 का जवाब आ गया, जी बिल्कुल 8 का सी जवाब आ रहा है और सही जवाब आ रहा है बिल्कुल। मेलिटा ब्लैंड ने प्लांटिक पेपर के एक टुकड़े का उपयोग करके कॉफी फिल्टर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन और एसएससी एमटीएस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे क्लास चलेगा, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, सब डिटेल। चलिए बताइए समुद्रशास्त्र के जनक कौन है? समुद्रशास्त्र यानी कि ओसनोग्राफी, समुद्र की जो बोलते हैं ना, ओसनोग्राफी के जनक बताइए कौन है? चलिए साफ साफ क्लियर है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लियर रहिए। क्वेश्चन देखिए मोबाइल पे देख रहा हूँ, एकदम क्लियर आ रहा है। 9 का सी शिवानी कुमारी, सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ, शिवानी गुप्ता जी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सारे, लाइक कर दीजिएगा तो पूरा वीडियो शुरू से मिल जाएगा, इसलिए लाइक करने के लिए बहुत प्रेशर किया जाता है, ठीक है। तो 9th का डी, सभी ने जवाब दे रहा डी, मैथ्यू मोरी, मैथ्यू मोरी होगा जिनको समुद्र शास्त्र, समुद्र शास्त्र क्लियर है ना, ओसन इससे क्लियर रखिएगा, ओसन के पिता के रूप में, मतलब जनक क्या होता है उनका, उन्होंने खोज किया था। किसका किसने जवाब दिया? सभी लोग जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 10, अब बात करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, आखिरी क्वेश्चन है, जुड़ जाइए सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा, अभी तक 50 लाइक हुआ है, 213 लोग देख रहे हो, क्यों भाई क्लासेस नहीं करनी है क्या सर का एग्जाम पर? क्लासेस करनी है, नोटिफिकेशन लेना है, अपडेट लेना है, जानकारी लेनी है, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ना है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जरूर से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए आज क्वेश्चन कम क्यों? क्वेश्चन कम इसलिए ना कि आज एसएससी एमटीएस के बारे में लोग डिस्कशन करेंगे, एमटीएस के बारे में, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करवा दिया है, इतना क्वेश्चन आप पढ़ लोगे ना तो पक्का पास हो जाओगे, आज बहुत कम क्वेश्चन है। चलिए पहले बताइए टीबी एंटीबायोटिक की खोज किसने की? टीबी एंटीबायोटिक, चलिए बताइए क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए बट सभी लोग जवाब देंगे, मिनिमम 20 क्वेश्चन होती है। पूजा सौ बोले बिल्कुल होती है, आज 10 क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे ऐसी एसएससी एमटीएस क्लासेस के बारे में। चल 10 का ए कोई बी कोई सी बता रहा है, टीबी क्वेश्चन क्या है, टीबी एंटीबायोटिक सेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, आविष्कार किसने किया? सर आज टफ क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा गलत है क्या, रोशनी बता रही है। हाँ साइंस में थोड़ा टफ होता है, इसी तरफ से क्वेश्चन मिलेंगे साइंस में, साइंस में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे कन्फर्म। चलिए सबका जवाब आ रहा है बी, सभी लोग बी करेंगे, बी जो शख्सियत थे साइंटिस्ट थे उन्हीं ने खोज की थी, सलमान वैक्सन एक आविष्कारक जैव रसायनज्ञ और सूक्ष्म जैव विज्ञानी थे, उन्होंने सेप्टोमाइसिन और कई अन्य एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की थी, किसकी?
स्ट्रेप्टोमाइसिन और ये ठीक है ना, टीबी का एंटीबायोटिक दवा है, इनकी खोज करने वाले हैं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था, 200 लोग सभी लोग देख रहे हो, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अब डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब एसएससी एमटीएस का हम लोग पेपर पैटर्न, अब क्लासेस मंडे से स्टार्ट होगी मेरे द्वारा, तो उसमें डिटेल से हम लोग जीके पढ़ेंगे, एमटीएस से हम कई एग्ज़ाम को देखेंगे। सर सर प्लीज़ हमारी क्लास लेने से पहले क्वेश्चन वेरीफाई। रवि जी, अगर आपकी क्लास वेरीफाई होते हैं क्वेश्चन, जैसे कुछ मुख्यालय और ब्रांच वाले में क्वेश्चन में होता है, तो नेक्स्ट क्लासेस में उसको देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे लाइक कर दिया सर, आजकल क्वेश्चन कम कम, शेयर एंड लाइक कर दो फ्रेंड। अब हम लोग देखे बात कर रहे हैं किसकी, याद करने में शेयर एंड लाइक कर दो। चलो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का पेपर पैटर्न देखना है कि नहीं, एसएससी एमटीएस का पेपर पैटर्न क्या होता है। सर मैं थोड़ी और क्वेश्चन खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आप आयो ना तो वीडियो लाइक कर देना, पुराना वीडियो पूरे क्वेश्चन देख लेना, यस सर लाइक कर दी। देखिए पहले हम बात कर लें पेपर पैटर्न, एसएससी एमटीएस, आपके मन एसएससी एमटीएस का पेपर पैटर्न देखिए क्या है ये, एसएससी एमटीएस 2019 सिलेबस। देखिए क्या आएगा, जनरल इंटीरियर रीजनिंग आएगा, कितने नंबर का, 25 नंबर का, ये फॉर्म हम लोग भर दीजिएगा, ठीक है। 90 मिनट का पेपर, ठीक है, साफ तौर से 190 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। सर ये क्लास एनटीपीसी के लिए कम आएगी क्या, देखिए एनटीपीसी का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब एमटीएस का चलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे, न्यूमेरिकल में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये राहुल सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, राहुल सर, इसको धीरज सर यानी कि मैं, रीजनिंग जनरल इन इंग्लिश भी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये दो क्लासेस 12 बजे चलेगी मेरे द्वारा। गुड नोट सर, ठीक है चलिए, हाँ सरकारी नौकरी है ये, देखिए ये क्लासेस चलेगी 12 बजे चलाई जाएगी, 12 बजे, 12 बजे से, ठीक है इसको ही। एसएससी एमटीएस क्लासेस चलाई जा रही है मंडे से, बहुत टफ नहीं है, पढ़ाई हो जाएगी, सरकारी एग्जाम पे जुड़े रहेंगे तो हो जाएगा। यह 25-25 देखे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है, 25-25 मार्क्स का 100, ठीक है सर बहुत टफ है, नहीं बहुत टफ नहीं है, आसान है, फॉर्म भर दिएगा, अभी फॉर्म भरा रहा है सरकारी एग्जाम पर पेपर पैटर्न, क्या क्या पढ़ना है सीजीएल के बारे में बताएंगे, फॉर्म निकला है भरना है, निकला है। अब क्या क्या पढ़ना है, देखिए सामान्य जागरूकता में, हाँ सामान्य जागरूकता में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं टोटल, कल नई क्लासें चलेंगी। देखिए ये सामान्य जागरूकता, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे, टाइमिंग वही रही, कंप्यूटर और ये सब चीज़ें क्लियर। देखिए साफ तौर से ये टॉपिक चलेगा, चलिए लास्ट डेट था उन सभी क्वेश्चन का, अब एसएससी एमटीएस का सेकंड पेपर का पैटर्न बता रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। एसएससी एमटी का फॉर्म पढ़ रहे हैं क्या, बिल्कुल, जेके जनरल इंग्लिश में आप लोग क्लासेस में क्या क्या चलाया जाएगा। सर एक बात बताइए, फॉर्म में प्रेफरेंस ऑफ स्टेट में भरना है, नहीं रीजनिंग भी चलेगी, इंग्लिश और जीके क्लासेस डिटेल में मेरे द्वारा 12 बजे चलेगी, सबको बता दीजिएगा। सिलेबस देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग टेस्ट कंप्लीशन, सभी क्लासेस सरकारी एग्जाम पर चलाई जाएगी, ठीक है ना, मंडे से ये क्लासेस चलेंगी, कल नहीं चलेगी,
फॉर्म कैसे अप्लाई करूँगा इसके फील्ड के बारे में बताइए सर। बता चुके हैं टाइपिंग नहीं होगी, इंग्लिश वीक है ना तो इंग्लिश से क्लासेज चलाई जाएगी। देखिए इंग्लिश हमारे साथ जुड़िएगा 12 बजे डेली चलेगा, NTPC का भी क्लास चलेगा, MTS का भी चलेगा, ठीक है। इंग्लिश भी चलाया जाएगा, फॉर्म जब आया था भर दिए सर, अच्छा भर दिया, बाकी लोग भी भर दिएगा। अभी फॉर्म के बारे में हम डिटेल में बताएंगे और समझिए इंग्लिश में क्या क्या है। पेपर टू, देखिए पेपर टू में क्या है, एवरी सब्जेक्ट 25 या कम ज़्यादा होता है, 25-25 का आता है। पेपर टू में देखिए क्या है, शॉर्ट एसे, लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आएंगे 50 नंबर के पेपर टू। जब पेपर वन हो जाएगा तो पेपर टू होगा सर। MTS मल्टीटास्किंग है जी, बिल्कुल। टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट के होंगे, पेपर वन पेपर टू दो एग्ज़ाम होगा, मैथ भी चलेगा, भारतीय लोकल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है सर। UPSC का फॉर्म कर लेगा सर, आपका लाइव क्लास GK का रेलवे का चलता रहेगा, लाइव क्लासेस 12 बजे चलता रहेगा, वो सभी क्लासेस चलेंगी। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं SSC MTS की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन क्लास 10th है, क्लास 10th 12th ग्रुप सभी लोग चलेगा। 45 मिनट, समझ में आ गया, क्लियर? फिर बैक टू बैक सब चीज़ एक बार समझ लीजिए। हमने तो भरा नहीं सर, भर दीजिए। ग्रुप डी का जितना आना था सब बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब SSC MTS की तरफ जाए, इंग्लिश का टाइम सेम 12 बजे होगा वीकली, जैसे 12 बजे जुड़ेंगे 3 दिन GK और 3 दिन, ठीक है ना। डेट है अभी, देखिए निशा बता रही, डेट है अभी, ठीक है ना। चलिए जी सभी क्लासेस चल रही थी, जनरल इंग्लिश में देख लीजिए फिर से, इतनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? डिटेल में क्विज भी होगा, क्लासेस भी होगी और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आपकी इंग्लिश एकदम स्ट्रांग कर दी जाएगी सभी एग्ज़ाम के लिए। SSC MTS के थ्रू इन चीज़ों को पढ़ेंगे और सभी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसमें। तैयार है आप लोग? आप लोग तैयार हो? निगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश लेवल देखिए मनीषा, ये आप लोग रेडी हो या नहीं रेडी हो? तो ऐसे ही चलने दें जैसे चल रहा है, 12 बजे ही सब क्लासेस होंगी। कब तक है डेट इसकी बताते हैं अभी। यस सर, सभी लोग रेडी है, सभी लोग करेंगे ना, ऐसा पता चलेगा हम डेली जो आते तो वो छोड़ के चले जाए सर। प्लीज़ हमको PDF डाउनलोड करने के लिए बताइए, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। नहीं चलिए बता देंगे, अभी बताएंगे, आप बने रहिएगा, ठीक है सभी लोग? यस यस सर, राइट रेडी सभी हैं। ऐसा नहीं कि SSC MTS नाम पे लोग भाग जाए, MTS में ये चीज़ें आएंगी तो इसलिए ये सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। यस सर रेडी है, सभी लोग रेडी कर रहे हैं, रेडी है। देखिए सामान्य जागरूकता ये सभी एग्ज़ाम में आपके कवर करेगा। यस सर रेडी, ठीक है ना। सभी एग्ज़ाम में भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी एग्ज़ाम में आते हैं। स्पॉटिंग एरर इंग्लिश में आएगा। चलिए सभी लोग रेडी है, हाँ इंग्लिश हिंदी में एक करना है। प्लीज़ सर मेरे बात का रिप्लाई दीजिए, अंजलि क्वेश्चन पूछे रिपीट करिए सर, इंग्लिश से क्लास कीजिए प्लीज़। चल 12 बजे क्लास चलेगी, 3 दिन GK 3 दिन इंग्लिश, ठीक है ना, ये होगा। उसके बाद राहुल सर जीके देखेंगे और वो देखेंगे, क्या देखेंगे, मैथ शाम में। उनका टाइमिंग होगा 3 बजे, 12 बजे और 3 बजे, दो क्लासेस चलेंगे। कितने दिन में कवर होगा? 2 महीने में कोर्स कवर हो जाएगा, 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा इसका। फिर से देखिए और आगे बढ़ते, पेपर पैटर्न SSC MTS का, बोलिए क्या क्वेश्चन है। मैथ नहीं आएगा, मैथ भी आएगा। दिनेश कुमार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछिए क्वेश्चन। ये है पेपर पैटर्न। अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसे पेपर डाउनलोड होगा और कैसे SSC MTS का फॉर्म अप्लाई करेंगे सर। सब एग्ज़ाम निकलना थ्रू सक्सेस, हाँ बिल्कुल। SSC MTS हमारे से जुड़ी है और आपको क्लियर कर लेंगे NTPC में कितना टाइम देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है प्रोसेस। SSC MTS देखिए कहाँ पर है, अभी MTS का फॉर्म दिखाएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। कब होगा? 2 महीने में होगा, 3 बजे ग्रुप डी का मैथ होगा सर जी, बिल्कुल। ऐसे ऑप्शनल है नहीं, ऐसे आपको देना है, गूगल पे जाना है, सरकारी एग्ज़ाम.com लिखना है,
इससे ऑप्शनल होता है? नहीं। 3 बजे ग्रुप डी मैथ होता है, MTS भी अब स्टार्ट होगा। सर ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें मैथ ना हो? यूपी के जो फॉर्म होते हैं मैथ नहीं आते उसमें। प्लीज़ एग्ज़ाम कब होगा? रिपीटिंग है सितंबर में होगा। बताइए सभी लोग, कोई क्वेश्चन हो और भी अगर डाउट आपके मन में रह गया हो। देखिए यहाँ पर SSC MTS फॉर्म, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 29 मई लास्ट डेट है। PDF कैसे डाउनलोड होगा उनके लिए? PDF जैसे देखिए यहाँ पर है, ये है सेक्शन आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेपर है, आपका PDF डाउनलोड कर लेंगे। MTS की लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी? 100 का पेपर होता है, 75 के अराउंड होता है इसका, 75 के अराउंड, 70, 75, 65 ये होता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, पहले इंग्लिश स्टार्ट करिएगा। नहीं, 3 दिन GK 3 दिन इंग्लिश ऐसे होगा। इंटरव्यू भी होता है? हाँ इंटरव्यू होता है। सर मैं महाराष्ट्र ही हूँ, दा सही उधर क्या बताइए? सर यूपी में नहीं हूँ तो बिना मैथ का वाले भी। सर ग्रुप डी का क्लास नहीं होगा? होगा, ग्रुप डी का चलेगा जैसे बाकी सर चला रहे, लेकिन MTS का क्लास हमारे द्वारा चलेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? निशा को क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकते हैं आप। अरे सर बहुत बार ट्राई की है, नहीं होता, कभी नहीं होता। क्या नहीं होता? अंजलि का क्वेश्चन है, किस फील्ड की जॉब है सर? देखिए एक क्लरिकल भी जॉब है, ग्रुप डी, ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों होगी इसमें। ये है पूरा डिटेल, यहाँ से लिंक आप कर सकते हैं। कितना नंबर चाहिए? 75 नंबर, ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों हैं। इंटरव्यू होगा MTS में? हाँ, देखिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। शुरू से क्लास कर रही हूँ, एक भी PDF नहीं मिला। अच्छा, अंजलि को PDF नहीं मिला, यहाँ पर गए थे हम लोग, यहाँ क्लिक करेंगे, क्यों नहीं PDF मिला जरा देखें। अभी यहाँ पर देखें सारे PDF है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है इस, यहाँ देखें सभी PDF है। एज रिडक्शन नहीं चाहिए था लेकिन मैं यस, और कोई प्रॉब्लम होगा? सर मैं OBC हूँ, एज रिडक्शन नहीं चाहिए था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो 2 मंथ में कवर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कोई कोई पैसा भर के भी ले जाता है सर? GK PDF मिलेगी? बताया तो ये PDF ही तो है, यहाँ पर जाना है आपको, PDF प्रीवियस ईयर पेपर में क्लिक करना है और सारे PDF मिल जाएंगे। PDF पूरा PDF है, ये PDF अवेलेबल, सारा PDF अवेलेबल है। सर आप ग्रुप डी का कब चलाओगे? ग्रुप डी का डेली चलेगा MTS के साथ। नहीं होता सर? अरे क्यों नहीं होता, देखो डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड होने लगेगा। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं डाउनलोड होता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, डाउनलोडिंग हो गया, स्टार्ट डाउनलोडिंग डाउनलोड हो गया मोबाइल में। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब मंडे को मिलेंगे सीधे, MTS से क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, आपके साथ जुड़ जाएगा डेली 12 बजे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।